और उसी लिए तो हमने 5 न्याय और 25 गारंटी हमने तैयार की है, खास करके युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और जनगणना के आधार पर लोगों को मदद करना, और उसी लिए तो जातीय जनगणना करके लोगों को जो मदद कर सकते हैं वो करने के लिए हम कटिबद्ध हैं, हम फर्म हैं, वैसा हम पूरा करेंगे। उसके बाद में मैंने लखनऊ में कहा था कि कल, तो ये क्या है, जैसा कि हम यूपीए 2 में फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया और उससे ही गरीबों का आज पेट भर रहा है, नरेगा का स्कीम लाया उससे ही लोगों को फायदा हो रहा है, उसी के बाद राइट टू एजुकेशन हमने लाया उसी से बच्चों को विद्यार्थियों को फायदा हो रहा है, ऐसे कई चीजें हैं हमने किया बगैर बोले। मैं हम कभी नहीं बोले कि हमारी ये गारंटी है इलेक्शन में, लेकिन सत्ता में आने के बाद यूपीए सरकार 1 और 2 में सब कुछ किया। इन्होंने एक काम किया कि नोटबंदी किया, और नोटबंदी होने के बावजूद भी अगर अदानी अंबानी के पास ट्रक भर भर के पैसे निकल रहे हैं, टेम्पो में अगर पैसे निकल रहे हैं, तो ये लोग क्या कर रहे थे, नींद कर रहे थे, अपने ही लोगों के पास पैसे है तुम खुद बोलते, फिर काला धन कैसा आया, कहां से आया, तो ये बोलते एक करते हैं एक, इनको कोई जनता की चिंता नहीं। इसीलिए हम अब 10 केजी जो 5 पहले उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन हम इससे पहले भी 35 केजी तो हम सबको देते थे, और हमने जो शुरू किया इसमें फिर हमने एडिशन करने का सोचा और ये 5 केजी के बजाय 10 केजी हम करेंगे, ये हमारा इरादा है और इसको आगे और बढ़ाएंगे। जब गठबंधन की सरकार आएगी निश्चित रूप से ये न्याय और गारंटी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये डेफिनेटली मैं बोलता हूँ।